नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। मकसूदनगढ़ के गुना रोड रेस्ट हाउस के सामने गुप्त परिवार के मकान को आखिरकार अब कोर्ट के आदेश के बाद खाली करा ही दिया गया। दरअसल पूरा मामला यह है कि हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार कोर्ट से आए नाजिर गुप्ता परिवार के मकान को खाली कराने के लिए दो बार पहले भी मकसूदनगढ़ आ चुके थे, पर दोनों बार मकान खाली कराने में वे नाकामयाब रहे, जिसके बाद आज तीसरी बार बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में गुना रोड रेस्ट हाउस के सामने गुप्ता परिवार के मकान को खाली कराने के लिए पहुंचे और मकान को खाली कराया। मकान के भीतर गुप्ता परिवार की एक महिला भी मौजूद थी, जिन्हें लेडीज पुलिस ने पकड़कर घर से बाहर कर दिया और मकान को खाली कराकर मकान पर कब्जा कुलदीप गुर्जर को दे दिया। AICC के पर्यवेक्षक आज गुना पहुंचे। AICC पर्यवेक्षक अनिल यादव, विजेंद्र सिंह जडेजा और गुना प्रभारी विपिन खुज ने आज गुना पहुंचकर बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं की बैठक ली। वहीं बूथ लेवल कमेटी से भी चर्चा की गई, साथ ही बूथ लेवल कार्यकर्ताओं से कांग्रेस को मजबूत करने की बात भी कही गई। यहां पर AICC के पर्यवेक्षक ने प्रशासन पर भी निशाना साधा और कहा कि प्रशासन सत्ताधारी पक्ष का साथ दे रहा है। इसके साथ ही AICC के पर्यवेक्षक ने बमोरी विधानसभा भी पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने जमीनी हकीकत को भी जाना व कार्यकर्ताओं से मिलकर महत्वपूर्ण जानकारियां ली। पोलिंग एजेंट, सेक्टर प्रभारी, मंडल अध्यक्ष आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विट्ठल दास मीणा, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुमेर सिंह राणा, बमोरी ब्लॉक अध्यक्ष मुरारी लाल धाकड़, युवा कांग्रेस बमोरी ब्लॉक अध्यक्ष अनवर खान, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष अमित सोनी एवं सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। यह समीक्षा बैठक पहले फतेहगढ़ से चालू हुई और बमोरी और सोनखरा में जाकर समाप्त हुई। इस बैठक में बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपने विचार पर्यवेक्षक के सामने रखे। लेकिन जैसे आप हमेशा सतर्क रहते हो, आप सतर्क रहते हो, जैसे बेनाम में आप हमेशा देखते रहते हो, मैं चाहता हूँ कि ये चार महीने भी हम हमारे जगह नहीं, हम हमारी पकड़ नहीं, हम उतनी ताकत हैं। आप सब लोग प्रभावशाली हो, आपका मतदाताओं के प्रभाव में आपके संबंध है। AICC की तरफ से, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से पूना डिस्ट्रिक्ट में बूथ लेवल तक संगठन का काम देखने के लिए हम लोगों ने यहाँ स्थानीय अपने कार्यकर्ताओं, जिला अध्यक्ष और हमारे जो नेतागण हैं उनके सहयोग से बूथ लेवल की कमेटी तक गठन कर लिया है और हमारा जो कहीं 2-4% काम रह रहा है उसकी मॉनिटरिंग करके उसको भी कम्प्लीट कर। हमारे नेता राहुल गांधी की मंशा है कि अब की मध्य प्रदेश में हम लोग सत्ता के करीब पहुँचे, सरकार बनाए, उसी क्रम में हम लोग जो अपना कमजोरियां थी, कांग्रेस के संगठन में कमजोरियां थी, उसको चुस्त दुरुस्त करके बूथ तक गठन किया है। अब तो हमारा स्टेप पन्ना प्रभारी तक है, पन्ना प्रमुख तक बना रहे हैं हम लोग, जिससे हमारी कोई भी तैयारी में कमी ना रह जाए और चुनाव के लिए हम लोग तैयार। बमोरी तरफ भी आपका जाना है? बमोरी में हमारा कल भी हमारी बैठक थी, वहाँ पे हमने मंडलम के और सेक्टर के अध्यक्षों को बुलाया था, उनसे जानकारी ली थी कि हम बूथ लेवल तक कितना हमारा काम हो चुका है, कितना बाकी है, तो उसी चरण में और पन्ना प्रमुख हमारे बामोरी से हम सेटिस्फाइड हैं। हमारे यहाँ जो बूथ लेवल तक काम कंप्लीट है, पन्ना प्रमुख का काम हमारा चल रहा है, जिससे एक बूथ पे लगभग 1000 वोट होता है, तो
तो उसी हिसाब से हम एक एक पन्ने का एक एक इंचार्ज बना रहे हैं, वो देख रेख करेगा। तो इस बार हम कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। ये बैठ के हो रही है, तो कार्यकर्ताओं को आप क्या जानकारी दे रहे हैं? क्या कार्यकर्ताओं को हम जानकारी, कार्यकर्ता हमारा जानकार, उसको ट्रेनिंग दी जा चुकी है कि हम जो जो जुम्मे सेक्टर की इंचार्ज जो सेक्टर से मॉनिटरिंग कर रहा है और जो मंडलम का इंचार्ज जो बूथों की मॉनिटरिंग कर रहा है कि बूथ पे जो कमियां हैं, बूथ पे जो कमियां हैं उन कमियों को चिन्हित कर रहे हैं। वैसे हमारी तब तैयारी पूर्ण है, कभी चाहे कोई भी सरकार चुनाव करा सकती है, हमारी तैयारी होती है। बस आने वाले समय में हम जल्दी ही, पहले की अपेक्षा आपकी जल्दी ही हमारे यहाँ टिकट भी वितरण होगा, कैंडिडेट भी आपके सामने आएंगे। हमारी सब तैयारियाँ करीब पूर्ण है चुनाव की। कब तक भाई साहब सामने आ जाएंगे कैंडिडेट आपके? कैंडिडेट हमारा हाईकमान तय करेंगे, हम लोग अपनी रिपोर्ट्स हाईकमान को भेजते जाते हैं। हमारे यहाँ जानते हो सिस्टम है कि हमारे जो राहुल जी या हाईकमान से रिकमेंड होकर जाता है वो फाइनल होकर आएगा, वही हमारा कैंडिडेट। भाई तो देखा जाए तो भाजपा भी बहुत तैयारी में लग रही है बीजेपी। भाजपा तैयारी करेगी, सत्ता में उनके साथ सरकार के सरकारी तंत्र सहयोग कर रहा है। अरे हम लोग तो 15 साल से सत्ता में नहीं है, हमारा कार्यकर्ता बहुत बहादुर और बड़ी जोश के साथ जनता के सहयोग से, जनता में जो आक्रोश है सरकार के प्रति, उस आक्रोश के और अपने कार्यकर्ता के उनके सहयोग से हम बूथ लेवल पर बहुत मजबूत हैं। इस बार निश्चित ही हम काम करेंगे। शासकीय पीजी कॉलेज में रखी गई पटवारियों की ट्रेनिंग। शासकीय पीजी कॉलेज में जिले के समस्त पटवारियों की ट्रेनिंग का कार्यक्रम रखा गया। यहाँ पर उन्हें कैसा कार्य करना है ये बताया गया। कार्य करने के तरीके एवं बारीकियाँ भी यहाँ बताई गई। बहुत कम काम है, कोई भी अधिकारी करने वाला हो तो पटेल साहब कहते हैं, पटेल क्या करेंगे, खाना भी है पटेल नहीं खाना, 3600 रुपया। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में किसान अपनी उपज तैयार करके और उसे बेच करके भू राजस्व दे सकते हैं, इसी दिन आता है उसके हजार साल सरकार राजस्व मंडल ये राजस्व निरीक्षक मंडल मतलब क्या है, जैसे एक तहसील है, तहसील में आखिरकार आज बारिश जमकर हुई। विगत 15 दिनों से गुना जिले में बारिश नहीं हो रही थी। वहीं मौसम विभाग का कहना था कि 7-8 तारीख के बाद बारिश होने की संभावना है, जिसके चलते आज बारिश जमकर हुई, जिससे लोगों को कुछ राहत महसूस हुई। माफिया की खुलेआम गुंडागर्दी। घर में घुसकर एक वकील को जमकर मारा। चाचौड़ा निवासी एडवोकेट जाकिर हुसैन के घर में घुसकर खनन माफियाओं ने जाकिर हुसैन के साथ जमकर मारपीट कर दी। जाकिर हुसैन का कहना है कि 2015 में उसके खेत के पास खनन माफियाओं ने खनन करते हुए उसके खेत के अंदर तक आ गए थे, जिसके बाद उसने थाने और कलेक्टर से शिकायत की थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने खनन कार्य रुकवा दिया था। जब से ही खनन माफिया उसके पीछे पड़े हैं, वह उसे जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे, कई बार उस पर हमला भी हो चुका था। वहीं उसने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए कि वह खनन माफियाओं के साथ मिलकर कार्य कर रही है और उसकी एक भी नहीं सुनती। जाकिर हुसैन द्वारा कई बार कंप्लेंट की जा चुकी थी कि उसे जान से मारने की धमकी दी जाती है, लेकिन पुलिस प्रशासन उसकी कभी नहीं सुनता था, जिसका नतीजा आज देखने को मिला। गर्दन में देके मेरी रीढ़ की हड्डी डैमेज कर दी, जिससे नहीं मर संघर्ष कर रहे हैं 2015 से।
आज अकेला देख के उनने मुझे आने गया था नाने ही से बात मुझे भाई जान भैया बोल रहा हूं बाथरूम में से निकाला आज घसीट के लाए और सड़क वही मेरे दरवाजे के सामने पटक के वहां ना ये हुई साहब 2015 में मेरी जमीन के पास में खनन माफी आए खोदते खोदते मैंने उन्हें रोक दिया था और जब से साहब इनने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किए। अच्छा आज मैं कोर्ट आने की तैयारी कर रहा था बाथरूम में नहा रहा था तो रसीद खां और बशीर खां दोनों साहब मुझे बाथरूम में से बाल्टी चालू थी मेरी नल में अभी भी रखी होगी नहीं और उसमें घसीटते हुए ला और मुझे साहब मेरे मकान के कमरे के साहब बाहर पटक लिया और पटक के साहब मेरे साहब इस कदर मार पीट करी है जगह जगह मुझे इनके जान से मार दो इसको मुझे जान से मारने की किस किस चीज़ों से मारा है आपको मुझे लड्डों से मारा साहब सबके छः जने थे साहब ये अच्छा छः ही जनों ने मारा लंगड़ू झींगू छोटू आइजन अपीज अभीज पुलिस का दलाल है और साहब पुलिस से सेटिंग करके मारा इनने मुझे दुखे स्वाद का पुलिस आप थाने गए थे क्या अरे मेरे साहब मैंने जब थाने में मैं बेहोश पड़ा था साहब जब कोई नहीं आया तो मैंने साहब 100 नंबर बुला के एम्बुलेंस 100 नंबर से हमने भेजा ही जब मैं साहब अस्पताल ले गए मुझे तो अभी आप एसपी ऑफिस आए जी मुझे हाँ साहब मुझे बचा लो मेरे परिवार को बचा लो कनन माफियाओं से मैंने कई बार पुलिस में गुहार लगाई कम से कम 19 रिपोर्टें की मेरे कनन माफियाओं की कोई सुनवाई नहीं है पूरा पहाड़ देख लो जाके पूरे में गुदा हुआ पड़ा है पूरे पेड़ कोट डाले मेरी जमीन की सुरक्षा करने का अधिकार था मुझे डीजियाना न्यूज़ में आज बस इतना ही कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे तब तक के लिए नमस्कार।